नमस्कार, बीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। मुंबई की एक अदालत ने निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा के विरुद्ध एक याचिका खारिज करते हुए कहा कि यदि जांच प्रभावित ना हो तो केवल जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने से जमानत रद्द नहीं की जा सकती। तो शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए ऑपरेशन लोटस की तुलना आतंकवादी संगठन अलकायदा से की है। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के एक पुराने वीडियो को नए ढंग से पेश कर कई लोग अटकलें लगाने लगे हैं, खासकर विपक्ष इसमें काफी दिलचस्पी ले रहा है। तो उधर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई जोन के पूर्व निदेशक समीर वानखेड़े ने वाशिम जिले की अदालत में शपथ पत्र दायर किया है। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कैंप के विधायकों ने आदित्य ठाकरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विधायिका के बाहर परम पूज्य युवराज कहते हुए पोस्टर भी दिखाए। प्रदेश भर के इन पांच बड़े और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुंबई की एक अदालत ने निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा के विरुद्ध एक याचिका खारिज करते हुए कहा कि यदि जांच प्रभावित न हो तो केवल जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने से जमानत रद्द नहीं की जा सकती। अदालत ने राणा दाम्पत्य को दी गई जमानत रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि जमानत रद्द करने के लिए बेहद गंभीर परिस्थितियों का होना जरूरी है। सांसदों और विधायकों के विरुद्ध दर्ज मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश आरएन रोकड़े ने दंपति के विरुद्ध मुंबई पुलिस की ओर से दायर याचिका को 22 अगस्त को खारिज कर दिया। अदालत के विस्तृत आदेश की प्रति शुक्रवार को प्राप्त हुई। महाराष्ट्र के अमरावती से लोकसभा सदस्य नवनीत राणा और उनके पति एवं अमरावती जिले के बडनेरा से निर्दलीय विधायक रवि राणा ने तत्कालीन मुख्यमंत्री के यहाँ स्थित निजी आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा की, जिसके बाद उन्हें 23 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस दौरान पूरे प्रदेश में राजनीतिक गतिरोध बना रहा। राणा दंपति पर राजद्रोह और विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता पैदा करने का आरोप है। दोनों को 5 मई को विशेष अदालत ने सतर्क जमानत दी थी, जिससे एक शर्त यह थी कि वे मामले के बारे में मीडिया के बयान नहीं देंगे। अदालत ने कहा था कि अगर इन शर्तों का पालन नहीं किया गया तो जमानत रद्द कर दी जाएगी। देश भर के कई राज्यों में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर शिवसेना ने बीजेपी पर निशाना साधा है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी की कड़ी आलोचना की है। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने ऑपरेशन लोटस की तुलना आतंकवादी संगठन अलकायदा से की है, साथ ही बीजेपी को आतंकवाद से जोड़ा है। शिवसेना ने ऐसे आरोपों के लिए हाल के सियासी घटनाक्रमों का सहारा लिया है। लेख में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस दावे का भी जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने के लिए जो ऑपरेशन लोटस चलाया गया था वह फेल हो गया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र में लिखा है कि सरकारें चुनकर लाने की बजाय विरोधियों की सरकार को गिराने और पार्टी को तोड़ने की सियासी घटनाएं खूब हो रही है। इस कारण से विष्णु का पसंदीदा फूल कमल बदनाम हो गया है। ऑपरेशन लोटस अलकायदा की तरह दहशतवादी शब्द बन गया है। शिवसेना का कहना है कि दिल्ली की सरकार को गिराने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन कमल फेल हो गया है, इससे भाजपा की पोल खुल गई है। सामना में बिहार का भी जिक्र है, जहां हाल ही में सरकार बदली है। साथ ही यह भी कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी चंद्रशेखर राव ने अमित शाह को खुली चुनौती दी कि ईडी सीबीआई आदि लगातार मेरी सरकार को गिरा कर दिखाओ। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के एक पुराने वीडियो को नए ढंग से पेश कर कई लोग अटकलें लगाने लगे हैं, खासकर विपक्ष इसमें काफी दिलचस्पी ले रहा है। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उनके इस पुराने वीडियो क्लिप साझा करते हुए ट्वीट किया और पूछा कि क्या वह भाजपा छोड़ रहे हैं। इस बीच खुद नितिन गडकरी ने बिना किसी का नाम लिए जवाब दिया है और ऐसा करने वालों को चेतावनी दी है। उन्होंने अपने खिलाफ दुष्ट प्रचार चलाने वालों को कानून के दायरे में लाने की बात भी कही है। नितिन गडकरी का जो भाषण वायरल किया जा रहा है और जिसे आम आदमी पार्टी के सांसद ने ट्वीट किया है, उसमें वह कह रहे हैं कि उन्हें पद रहने या ना रहने से फर्क नहीं पड़ता है। वह कहते हैं कि नहीं रहता तो फर्क नहीं पड़ता, मेरा गया तो गया पद चिंता नहीं है, मैं राजनीतिक पेशेवर नहीं हूँ, जो होगा सो देखा जाएगा, मैं सामान्य व्यक्ति हूँ, अभी भी फुटपाथ पर खाने वाला, थर्ड क्लास में पिक्चर देखने वाला और नाटक पीछे से देखने वाले लोगों में बड़ा हुआ हूँ। मुझे वह जीवन बहुत अच्छा लगता है। जेड प्लस
सिक्योरिटी अड़चन जाती है, जो रात को सबको छोड़ने के बाद मैं निकल जाता हूँ। वीडियो में कई जर्क भी है। दरअसल यह वीडियो गडकरी के एक पुराने भाषण का है, जिसमें वह उस समय की बात बता रहे थे जब वह 1996 में शिवसेना बीजेपी की मनोहर जोशी सरकार में PWD मंत्री थे। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई जोन के पूर्व निदेशक समीर वानखेड़े ने महाराष्ट्र के वाशिम जिले की अदालत में शपथ पत्र दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि उनका परिवार अनुसूचित जाति के समुदाय से है और उन्होंने कोई अन्य धर्म नहीं अपनाया है। राज्य सरकार में पूर्व मंत्री नवाब मलिक के विरुद्ध समीर के भाई संजय वानखेड़े ने मानहानि की शिकायत दायर की थी, जिसमें समीर ने हलफनामा दायर किया है। संजय ने वाशिम की एक विशेष अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें अनुरोध किया गया था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक के विरुद्ध अनुसूचित जनजाति प्रताड़ना निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाए। मलिक ने आरोप लगाया था कि समीर वानखेड़े ने सरकारी नौकरी पाने के लिए फर्जी जाति प्रमाण पत्र सौंपा था। इस मामले की जांच करते हुए महाराष्ट्र सामाजिक न्याय विभाग की जाति प्रमाण पत्र समिति ने हाल ही में समीर वानखेड़े को क्लीन चिट दे दी थी। समिति ने कहा था कि भारतीय राजस्व सेना के अधिकारी वानखेड़े जन्म से मुस्लिम नहीं है और यह साबित हो चुका है कि वह महाजाति के हैं, जिसे अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है। इसके बाद समीर वानखेड़े ने कल गुरुवार को दायर शपथ पत्र में कहा था कि नवाब मलिक ने अपराध किया है, इसलिए वह अदालत में हलफनामा दायर कर रहे हैं। महाराष्ट्र में पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे का विरोध शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कैंप के विधायकों ने आदित्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विधायिका के बाहर परम पूज्य युवराज कहते हुए पोस्टर भी दिखाए। इसके अलावा विधानसभा में आदित्य के एक शब्द को लेकर जमकर हंगामा हुआ। खास बात है कि शिवसेना में बगावत करने वाले विधायक लगातार कह रहे थे कि वह ठाकरे परिवार को निशाना नहीं बनाएंगे। शिवसेना के बागी विधायक आदित्य के खिलाफ एक पोस्टर लेकर उतरे। इस पोस्टर में पूर्व मंत्री को घोड़े पर उल्टा बैठे हुए दिखाया गया है। इसके जरिए दिखाया जा रहा है कि घोड़ा हिंदुत्व की ओर देख रहा है, लेकिन आदित्य का चेहरा महाविकास आघाड़ी की ओर है। साथ ही पोस्टर पर लिखा है, महाराष्ट्र के परम पूज्य युवराज, विधानसभा में आदिवासी विकास मंत्री विजय कुमार गवित की तरफ से जानकारी दी गई कि कुपोषण से एक बच्चे की भी मौत नहीं हुई है। खबर है कि इस पर आदित्य की तरफ से कहा गया कि उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वह आदिवासी समुदाय के लिए कुछ नहीं कर सके। इस पर वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने आपत्ति जताई और कहा कि यह असंसदीय शब्द है। मुनगंटीवार ने कहा कि वह 2.5 साल से सत्ता में थे, क्या उन्हें यह कहना है कि उनके पिता को शर्म आ रही थी। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट प्रकरण की जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, मौत का रहस्य गहराता जा रहा है। तो गोरखपुर लखनऊ फोरनेल पर बस्ती जिले के खजोला चौकी के पास CM योगी आदित्यनाथ के OSD मोतीलाल सिंह की सड़क हादसे में मौत हो गई है। वही पत्नी गंभीर रूप से घायल है। वही बायजस की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कंपनी की फंडिंग पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने मार्च 2021 को खत्म फाइनेंशियल ईयर के लिए अभी तक ऑडिटेड अकाउंट्स फाइल नहीं किया है। तो उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे गुलाम नबी आजाद ने पार्टी से नाता तोड़ लिया है और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 5 पन्नों का एक लंबा पत्र सोनिया गांधी को लिखकर अपनी नाराजगी भी पार्टी से जाहिर की है। इसी बीच देश के मुख्य न्यायाधीश NV रमना के कार्यकाल का आज आखिरी दिन है। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट में उनकी विदाई पर भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कई जज और वकील उन्हें शीर्ष अदालत से विदा करते हुए भावुक नजर आए। देश भर के इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी नेता सोनाली फोगट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है कि उनके साथ मारपीट की गई थी। गोवा पुलिस ने इस मामले में हत्या का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, सोनाली की मौत का रहस्य गहराता जा रहा है। खबरों के मुताबिक सोनाली के परिवार वाले इस बात की आशंका जता रहे हैं कि सोनाली को ब्लैकमेल किया गया हो और उसके साथ रेप भी हुआ हो। सोनाली के पति संजय फोगाट की भी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई। मौत की जांच जारी है। खबरों के मुताबिक सभी एंगल पर जांच की जा रही है। जो भी लोग इस मामले से जुड़े हैं, उनसे पूछताछ होगी। पहले खबर आई थी कि सोनाली की हार्ट अटैक से मौत हो गई है, लेकिन गोवा मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के बाद पूरा माजरा ही बदल गया। जिस बात की आशंका सोनाली की फैमिली जता रही थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वही बात सामने आई है।
इस रिपोर्ट के अनुसार सोनाली की मौत नेचुरल नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि सोनाली के शरीर पर चोट के निशान है। सोनाली गोवा में एक फिल्म की शूट के लिए आई थी। उनके भाई रिंकू के मुताबिक मौत से कुछ समय पहले सोनाली ने माँ, बहन और एक रिश्तेदार से बात की थी। वह परेशान थी और अपने दो सहयोगी के खिलाफ शिकायत कर रही थी। इसके बाद फोन कट गया। रिंकू ने कहा कि गोवा में कोई शूटिंग नहीं थी, ये पूरी तरह से सोची समझी हत्या है। गोरखपुर लखनऊ फोरनेल पर बस्ती जिले के खौजाला चौकी के पास सीएम योगी आदित्यनाथ के ओएसडी मोतीलाल सिंह की सड़क हादसे में मौत हो गई है। वही पत्नी गंभीर रूप से घायल है। मोतीलाल की पत्नी को गोरखपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा गुरुवार रात को हुआ है। दोनों स्कॉर्पियो में गोरखपुर से लखनऊ जा रहे थे। बताया जा रहा है कि गाड़ी के सामने किसी जानवर के आने से चालक नियंत्रण खो बैठा, जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने ओएसडी मोतीलाल सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। सिंह को मुख्यमंत्री शिविर कार्यालय गोरखपुर में प्रतिनियुक्त किया गया था। मोतीलाल सिंह पीसीएस अफसर रहे थे। वह तेज तरार अफसरों में से गिने जाते हैं। वे आजमगढ़ जिले के बुढ़नपुर गांव के रहने वाले थे और गोरखपुर में चोरी चोरा तहसील के एसडीएम भी रह चुके थे। जानकारी के मुताबिक ओएसडी मोतीलाल सिंह अपनी बीमार बहन को देखने जा रहे थे, तभी हादसे का वे शिकार हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो के परचक्के उठ गए और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। राहगीरों ने सड़क हादसा और तड़प रहे कार सवारों को देखकर तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद फोर्स मौके पर पहुंची। घायलों को क्षतिग्रस्त स्कॉर्पियो से बाहर निकाला। उसके बाद तीनों घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। बायजूस की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कंपनी की फंडिंग पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने मार्च 2021 को खत्म फाइनेंशियल ईयर के लिए अभी तक ऑडिटेड अकाउंट फाइल नहीं किया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने इस बारे में कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा है। इस महीने की शुरुआत में कंपनी के भेजे एक पत्र में मंत्रालय ने पूछा, 17 महीने बीत जाने के बाद भी उससे ऑडिटेड अकाउंट फाइल क्यों नहीं किया गया। सूत्रों के मुताबिक कंपनी अगले हफ्ते अपना हिसाब किताब फाइल कर सकती है। बायजूस देश की सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप है और इसका वैल्यूएशन करीब 22 अरब डॉलर है। कंपनी ने मंत्रालय को दिए जवाब में कहा है कि अकाउंटिंग ईयर के दौरान उनसे कई कंपनियों का अधिग्रहण किया था, इस कारण फाइलिंग में देरी हुई। बायजूस अनलिमिटेड कंपनी है। नियमों के मुताबिक अनलिस्टेड कंपनियों को फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 7 महीने के भीतर अपना सालाना लेखा जोखा फाइल करना होता है। इस अवधि के बाद उन्हें हर एक दिन के लिए अतिरिक्त फीस देनी होती है। अगर बहुत ज़्यादा देर हो जाती है तो कंपनी और उसके डायरेक्टर्स पर जुर्माना लग सकता है। 2 साल से ज़्यादा देर होने पर उनके खिलाफ मुकदमा भी हो सकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे गुलाम नबी आजाद ने पार्टी से नाता तोड़ लिया है और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 5 पन्नों का एक लंबा पत्र सोनिया गांधी को लिखकर अपनी नाराजगी भी पार्टी से जाहिर की है। यही नहीं, कांग्रेस के 51 साल पुराना नाता तोड़ते हुए उन्होंने राहुल गांधी पर भी सीधा हमला बोला। गुलाम बनी आजाद ने इंदिरा गांधी से लेकर अब तक के दौर को याद दिलाते हुए सोनिया गांधी से कहा कि अपनी अध्यक्षता में पार्टी अच्छे से काम कर रही थी और सबसे मशविरा लिया जाता था। आज़ाद ने लिखा कि दुर्भाग्य से राहुल गांधी की राजनीति में एंट्री के बाद और खासतौर पर जनवरी 2013 में कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनने के बाद सलाह मशवरे के साथ चलने की जो परंपरा थी वह उद्वस्त हो गई। सारे वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को किनारे लगा दिया गया, उनकी जगह गैर अनुभवी और चापलूस दरबारियों ने ले ली है। यही नहीं, इन्हीं लोगों के हाथों में पार्टी के मामले की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। इसका अपरिपक्वता का बड़ा उदाहरण वह था जब राहुल गांधी ने मीडिया की मौजूदगी में सरकार के अध्यादेश को ही फाड़ दिया। उस अध्यादेश पर कांग्रेस के कोर ग्रुप में चर्चा हुई थी और कैबिनेट से मंजूरी भी दी गई थी। इसे बचकाना व्यवहार ने प्रधानमंत्री और भारत सरकार की गरिमा को ही कमजोर कर दिया था। देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के कार्यकाल का आज आखिरी दिन है। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट में उनकी विदाई पर भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कई जज और वकील उन्हें शीर्ष अदालत से विदा करते हुए भावुक नजर आए। सीनियर एडवोकेट दुयंत दवे इस दौरान बेहद भावुक हो गए और आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उन्हें आम आदमी को इंसाफ दिलाने वाला जज बताया।
चीफ जस्टिस ने सुबह 10:30 बजे नए चीफ जस्टिस बनने वाले यूजू ललित और जस्टिस हिमा कोहली के साथ बेंच शेयर की और एक मामले की सुनवाई की। उन्होंने अपने 1 साल 4 महीने के कार्यकाल में जजों की वैकेंसी को भरने का काम किया। उनके दौर में जिला अदालतों और हाई कोर्ट्स में जजों की संख्या में भी इजाफा किया। उन्होंने जज टू पॉपुलेट रेशो की बात की और कहा कि इसी तरीके से केस लोड को कम किया जा सकता है। उनके कार्यकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट में 11 जजों की नियुक्ति की गई, जिनमें महिला जज बीवी नागरत्ना भी शामिल है। पिछले दिनों उन्होंने मुकदमों की मीडिया रिपोर्टिंग पर भी सवाल उठाते हुए कहा था कि कई बार संदर्भ से हटकर खबरें दी जाती है। यही नहीं, उनके एक बयान की काफ़ी चर्चा हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं नेता बनना चाहता था लेकिन न्यायिक क्षेत्र में आ गया। पिछले 4 वर्षों में पुतिन की बेटी कैटरीना तिखोनोवा अपने नए बॉयफ्रेंड इगोर जेलेंस्की के साथ रोमांटिक डेट के लिए जर्मनी के म्यूनिख और ब्रिटेन के लंदन जैसे पश्चिमी देशों के शहरों में कई बार गोपनीय यात्रा पर गई, जिसका खर्च सरकारी खजाने से हुआ। तो ब्रिटेन में एक ऐसी इमारत का निर्माण हुआ है जो मंगल ग्रह के अनुमानित वातावरण के मुताबिक तैयार की गई है। वहीं जर्मनी ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया। ये ट्रेन एल्स्टॉम SA द्वारा बनाई गई है। तो उधर चीन अक्टूबर में होने वाले अमेरिका भारत सैन्य अभ्यास से काफी बौखलाया हुआ है। इस बीच नेपाल में एक संवैधानिक आयोग की कमजोर तबकों के लिए आरक्षण खत्म करने की सिफारिश से देश में भारी विवाद शुरू हो गया है। दुनिया भर के इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूक्रेन युद्ध के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके परिवार के लिए खतरा बढ़ गया है। पुतिन के गुरु पर पिछले दिनों जानलेवा हमला हुआ, जिसमें उनकी बेटी मारी गई थी। अब ताज़ा दावा किया जा रहा है कि पिछले 4 वर्षों से पुतिन की बेटी कैटरीना तिखोनोवा ने अपने नए बॉयफ्रेंड इगोर जेलेंस्की के साथ रोमांटिक डेट के लिए जर्मनी में म्यूनिख और ब्रिटेन के लंदन जैसे पश्चिमी देशों के शहरों में गोपनीय यात्रा पर भी गई थी। पुतिन की बेटी कैटरीना एक बेली डांसर है और इगोर जेलेंस्की उस समय बेवेरियन स्टेट बैलेट के प्रमुख थे। सीक्रेट सर्विस के लीक पेपर के हवाले से जर्मन मीडिया की खोजी रिपोर्ट में कहा गया है कि पुतिन की बेटी जितनी बार पश्चिमी देशों की यात्रा पर गई, उनके साथ जासूसों की पूरी फौज को लगाया गया, जिसका पूरा खर्च रूस के सरकारी खजाने से दिया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च 2017 में पुतिन की बेटी लंदन की यात्रा पर गई थी। इस दौरान पुतिन के करीबी 6 जासूसों के लिए कैटरीना के पर्सनल ऑफिसर्स की तरफ से होटल में कमरा बुक किया गया था। इन जासूसों को लंदन के होटल में झुंड में रहना पड़ा था। रूसी जासूस हमेशा कैटरीना के होटल के कमरे में आसपास मौजूद रहे, जिससे पुतिन को अपनी बेटी की लव लाइफ के बारे में हर जानकारी मिलती रही। बताया जा रहा है कि जेलेंस्की और पुतिन की बेटी से एक बेटी भी है। पुतिन ने अपनी बेटी के लिए जमकर पैसा बहाया है। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं की तलाश कर रहे वैज्ञानिकों के लिए उत्साह भरी खबर है। ब्रिटेन में एक ऐसी इमारत का निर्माण हुआ है जो मंगल ग्रह के अनुमानित वातावरण के मुताबिक तैयार की गई है। ब्रिटेन के बिस्ट्रल में मार्शल हाउस नाम के प्रोजेक्ट में बताया का प्रयास किया गया है कि मंगल ग्रह पर इंसान किस तरह रह सकता है। 2 मंजिला इमारत 53 वर्ग मीटर क्षेत्र में तैयार किया गया है। इसे -63 डिग्री के औसतन तापमान से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। वैसे मार्शल हाउस सामान्य घरों की तरह है, किचन बाथरूम और बेडरूम सब कुछ है, लेकिन मार्शल हाउस में रहने के लिए कुछ सावधानी जरूरी है। अब आप मंगल ग्रह पर रहते हैं तो बाहर के जहरीले वातावरण के कारण घरों को एयर टाइट रखना होता है। बाहर एक ऐसी लेयर चाहिए जिससे खतरनाक किरणों से बचा जा सके। मार्शल हाउस में जलवायु को नियंत्रित कर हाइड्रोपोनिक तरीके से यानी मिट्टी के बगैर पौधे उगाए गए हैं। इसका मकसद सेहत ठीक रखना है। सौर पैनलों द्वारा संचालित प्रोटोटाइप मार्शल हाउस का निचला स्तर परियोजना और चित्रों के विवरण के साथ एक होर्डिंग से घिरा हुआ है। मंगल ग्रह पर रहने के लिए तैयार प्रोटोटाइप भूमिगत स्तर पर पर्यावरण नियंत्रण कक्ष होगा। इसमें घर को शक्ति प्रदान करने वाली सभी जीवन समर्थन प्रणालियां, एक शॉवर और एक कम पानी वाला मार्टियन टॉयलेट भी होगा। जर्मनी ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया। यह ट्रेन एल्स्टॉम ASA द्वारा बनाई गई है। यह हाइड्रोजन ट्रेन प्रदूषण नहीं फैलाती और बिल्कुल कम शोर करती है। यह ट्रेन सिर्फ भाप और वापसित पानी का उत्सर्जन करती है। जापान में भी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों का ट्रायल शुरू हो चुका है। आने वाले समय में यह देश भी हाइड्रोजन फ्लू वाली ट्रेन शुरू करने वाला है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस पहल के साथ सरकार
पर्यावरण के अनुकूल यात्रा के लिए दरवाजे खोल रही है। हाइड्रोजन से चलने वाली इन ट्रेनों ने 100 किलोमीटर रेंज का रेलवे क्षेत्र संभालेंगे। परियोजना की कुल लागत लगभग 93 मिलियन यूरो है। बता दें कि यह परियोजना दुनिया भर में एक रोल मॉडल है। ये ट्रेनें 1.6 मिलियन लीटर डीजल की बचत करेगी और इस तरह प्रतिवर्ष कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 4,400 टन की कमी करेगी। जर्मनी का लक्ष्य 1990 के स्तर पर की तुलना में 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 65% तक कम करना है। बता दें कि सिर्फ 1 किलोग्राम हाइड्रोजन ईंधन लगभग 4.5 किलोग्राम डीजल ईंधन के बराबर होता है। ट्रेन की अधिकतम गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। कंपनी के प्रवक्ता के अनुसार उपयोग में आने वाली अन्य पुरानी डीजल ट्रेनों को बाद में बदला जाएगा। अभी यह तय करना है कि हाइड्रोजन या बैटरी से चलने वाली ट्रेनों का संचालन किया जाए या नहीं। 3 अक्टूबर में होने वाले अमेरिका भारत सैन्य अभ्यास से काफी बौखलाया हुआ है। दरअसल चीन के अनुसार विवादित चीन भारत सीमा के पास सैन्य अभ्यास नई दिल्ली और बीजिंग के बीच हुए समझौता का उल्लंघन है। चीन ने कहा कि समझौते के मुताबिक वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास किसी तरह का सैन्य अभ्यास नहीं किया जाएगा। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम किसी भी रूप में चीन भारत सीमा मुद्दे में हस्तक्षेप करने के लिए किसी भी तीसरे पक्ष का कड़ा विरोध करते हैं। बड़ी बात यह है कि अभी अमेरिका और भारत के बीच होने वाले सैन्य अभ्यास की कोई आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई है, लेकिन चीन तो अभी से बौखलाया हुआ है। खबर के मुताबिक भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की कई रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों देशों की सेना अक्टूबर में उत्तराखंड के औली में LC से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेगी। खबर के मुताबिक यह युद्ध अभ्यास ड्रिल का 18वां संकरण होगा, जो अमेरिका और भारत के सैनिकों के बीच आयोजित की जाएगी। यह सैन्य अभ्यास उत्तराखंड के हिमालय पर्वतों पर 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर आयोजित किया जाएगा। यह अभ्यास पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा संघर्ष की पृष्ठभूमि में होगा, जिसमें दोनों पक्षों ने LAC के 7,000 सैनिकों और भारी हथियारों को तैनात किया है। नेपाल में एक संवैधानिक आयोग की कमजोर तबकों के लिए आरक्षण खत्म करने की सिफारिश से देश में भारी विवाद शुरू हो गया है। रामकृष्ण तिमल सेना के नेतृत्व में राष्ट्रीय समावेश आयोग ने पिछड़े वर्गों, विकलांगों, बुजुर्गों, किसानों, अल्पसंख्यकों, हाइशे के समूहों, लुप्त हो रहे समुदायों और पिछड़े इलाके के वंशितों के लिए मिल रहे आरक्षण को जल्द से जल्द खत्म करने की सिफारिश कर दी है। आयोग ने यह रिपोर्ट 7 अगस्त को ही राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को सौंप दी थी, लेकिन इसकी सिफारिशें अब जाकर सार्वजनिक हुई है। आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि सरकार को आंतरिक प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से पदोन्नति में आरक्षण प्रणाली को समाप्त करना चाहिए और नौकरीशुदा लोगों के प्रमोशन के किसी भी रूप में आरक्षण का प्रावधान नहीं करना चाहिए। आयोग के अध्यक्ष तिमल सेना ने कहा कि आरक्षण लंबे समय तक नहीं रह सकता, क्योंकि यह योग्यता के लिए घातक है। बता दें कि नेपाल के संवैधानिक के अनुच्छेद 18 के तहत यह प्रावधान है कि नेपाल सरकार किसी के साथ उसके मूल धर्म, नस्ल, जाति, कबीले, लिंग, आर्थिक स्थिति, भाषा या उसके भौगोलिक संबंध, विचारधारा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगी। लेकिन इसी अनुच्छेद में कहा गया है कि कमजोर तबके के लोगों के लिए विशेष उपाय करने का अधिकार उसके पास होगा। इसी प्रावधान के तहत देश में आरक्षण प्रणाली अपनाई गई थी। तो VKB न्यूज के आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए VKB न्यूज। नमस्कार।